हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज हम चैटिंग का ये पार्ट 12 है, ठीक है। अभी जहाँ पे हम स्टॉप किए थे वहाँ पे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये 36 वाला है। अभी 35 हमने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पार्ट में कैसे स्कैन करेंगे ये हम पहले दिखा चुका हूँ। अभी ये 52 हाई और 52 लो स्कैन को कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा। फिर आज कवर करेंगे टॉप के ना टॉप लूजर कैसे इनो शॉर्ट आउट करेंगे वो भी दिखेंगे। अभी हाउ टू स्कैन वॉल्यूम सकर्स, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है उसको भी देखेंगे। और शॉर्ट टर्म स्टॉक ब्रेकआउट ये आपको पहले बताया, फिर से और कर बताऊँगा। हाउ टू यूज सब फिल्टर इन चार्टिंग, ठीक है। और ये हाउ टू स्कैन गुड स्टॉक टू वाई ट्रेडिंग, ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो अब ये जो हाउ टू स्कैन गुड स्टॉक ऑफ द ट्रेडिंग, ये स्ट्रैटेजी नहीं, किस किस स्टॉक में ज़्यादा अच्छा मूवमेंट आता है ये सारी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। और हाउ टू बिल्ड मल्टीपल वॉच लिस्ट, तो हम कोशिश करेंगे कि 4-5 पॉइंट कवर कर लें। देखते स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। तो हाउ टू स्टॉक्स या 52 हाई 52 स्कैन कैसे करें पहले दिखाता हूँ। देखिए, ये चार्टिंग का पेज है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा। देखो, एक महीने में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 365 डेज होता है और 260 वर्किंग डेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेटेस्ट हाई, यहाँ पे एनी लिखेंगे कि हमको 52 हाई या 52 लो का दोनों का आ जाए, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू मैक्सिमम, यहाँ पे लिखेंगे 260 लेटेस्ट हाई, ठीक है। और लेटेस्ट लो हम करेंगे इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब लो जब चाहिए हमको मिनिमम लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 260 लेटेस्ट लो, ठीक है। और हमको रन करेंगे, देखिए कोई स्टॉक आता कि नहीं आता। देखिए, बहुत सारा स्टॉक आया है यहाँ पे, कम से कम 50 स्टॉक आया है। अभी इसको हम देखेंगे कि निफ्टी का 500 में कोई स्टॉक है क्या। हाँ, बहुत सारा स्टॉक है, VDL, टाटा स्टील, भारत फोर्ज, ये तीनों का हम पहले करेंगे इसको। देखिए, यहाँ पे पहले VDL, टाटा स्टील, भारत फोर्ज आया है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा VDL, टाटा स्टील, भारत फोर्ज, इतना सारा स्टॉक है। अभी इसको मैं देखूंगा, ये 52 लो मारा होगा। अभी यहाँ पे हम डे पे जाएंगे, देखिए ये 52 लो पे ही है। टाटा स्टील क्या है, ये भी देखिए 52 लो पे है। भारत फोर्ज 52 लो पे ही है, ठीक है। फिर इसी तरह से स्पार्क भी है, सन फार्मा का एक स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये देखिए ये भी 52 हाई लो पे है, ठीक है। बहुत सारा स्टॉक आज के लो पे। और कौन सा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TII इंडिया, ये देखो हाई पे है, 52 हाई पे है, ठीक है। आज इसका 52 हाई बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपने शॉर्ट आउट कर सकते हो कि कौन सा 52 हाई 52 लो टच कर रहे हैं, तो यही है। और दूसरा अभी जाएंगे कौन सा, अभी हाउ टू स्कैन टॉप गेनर टॉप लूजर ऑफ दीज, ये बिल्कुल आसान है। आप टॉप गेनर टॉप लूजर के लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को खाली ये करना होता है लेटेस्ट, अब मेरे को टॉप गेनर टॉप लूजर चाहिए और वॉल्यूम भी डबल होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे लेटेस्ट क्लोज, यहाँ पे लिखूँगा लेटेस्ट हाई, यहाँ पे लिखूँगा ब्रैकेट इसको, ब्रैकेट वैल्यू लिख के हाई डिवाइडेड बाय लो, सॉरी क्लोज डिवाइडेड बाय ओपन, ओके ग्रेटर देन 1.03, मतलब 3% ऊपर से कोई भी स्टॉक हो मेरे को पहले बता दो। तो यही स्टॉक है प्रॉज इंडस्ट्री नौकरी एंड उज्जीवन, ठीक है। ये 3% से ऊपर यही टॉप गेनर है, ठीक है।
तो उसके अलावा अगर यहाँ पे कैश में देखो कि कौन सा टॉप विनर बना हुआ है, देखिए तो इतना सारा स्टॉक है ठीक, जिसमें टॉप 10 बना हुआ पहले, ये सब स्टॉक है, तो इसको आपने वॉच आउट कर सकते हो ठीक है। अभी मेरे को और एनी लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे और एक लिखूंगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाले लिखूंगा लेटेस्ट ओपन डिवाइडेड बाय लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 1.03, 1.03, तो ये 3% से ज़्यादा कोई स्टॉक है तो फिर इधर से आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉप विनर टॉप लूजर का लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं अभी फ्यूचर में मेरे को चाहिए, तो फ्यूचर में कोई है तो फिर यहाँ पे दिखा देगा, जैसे कोई जेवन टॉप गेनर पे है, टाटा कम भी नो टॉप गेनर पे ही है, बाकी सब देखो जिंदल स्टील, जेट एयरवे ठीक है, रिलायंस इंफ्रा, एचर मोटर, ये सब यू नो टॉप लूजर है। आप इसमें अगर आपने पूरा 5% से ज़्यादा चाहिए तो 5% से यहाँ पे कर दो, तो 5% वाला आ जाएंगे ठीक है ना। तो ये टॉप लूजर है, जिंदल स्टील, जेट एयरवे, रिलायंस इंफ्रा, जिला जैन इरीगेशन, तो यहाँ इसी तरीके से आपने कर सकते हो। तो जनरली आपको अगर वॉच करना है कल के लिए कौन सा स्टॉक यू नो वॉच करने के लिए, ये परफॉर्मेंस स्टॉक है आज के लिए, तो ज़्यादातर टाइम पे ये भी होता है कि कल भी ये परफॉर्मेंस देते हैं ऊपर या नीचे ठीक है। तो अगर इस टाइप का स्टॉक आप टेक्निकल में शामिल करोगे ना, अच्छा खासा बेनिफिट आता है ठीक है। अभी मैं इसको करूँगा हार्ट टू स्कैन टॉप के ना टॉप लूजर, यहाँ पे भी देख लिया। अभी हार्ट टू स्कैन वॉल्यूम सक्कर, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा हो वो पहले देखेंगे। देखिए ये एकदम सिंपल है, मैं यहाँ पे जाऊँगा ओल्ड स्कैन पे, ओल्ड स्कैन पे है एक यहाँ पे है कि देखो ट्रिपल बॉटम, ये पहले बता दिया था, यहाँ पे सिंपल से यहाँ साइड में वॉल्यूम सबका, तो यहाँ पे देखिए किसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट वॉल्यूम, देखिए यहाँ वॉल्यूम कितना हुआ है, 365 हुआ है, 365 कल के मुकाबले के हिसाब से। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इनो स्टॉक है जिसमें इनो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, लगभग ये 100 दिखा रहा है ठीक है। तो मेरे को अगर यहाँ पे बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आसान से बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेटेस्ट ब्रैकेट दे दूंगा इधर से आराम से, तो यहाँ पे रहेगा लेटेस्ट वॉल्यूम, यहाँ पे रहेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रखूंगा वॉल्यूम, और यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा 1 डे का ओके, ये ग्रेटर देन 2, मतलब कि दुगना होना चाहिए। मान लेते हैं आज का वॉल्यूम है 100, कल का वॉल्यूम में 5 मान, और कल आज का वॉल्यूम 200, कल का वॉल्यूम में 100, तो मेरे को ऐसा ही स्टॉक आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, दिखा कि हम स्कैन करने के बाद इतना इतना स्टॉक में वॉल्यूम यू नो बहुत ज़्यादा आया है ठीक है। अभी अगर हमको फ्यूचर में ही चाहिए तो फ्यूचर में यहाँ पे देखें, क्योंकि वॉल्यूम दुगना हुआ है, बढ़ा हुआ है ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्फ्राटेल, जैसे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ इन्फ्राटेल, अभी इंफ्राटेल यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए देखा वॉल्यूम देखा डबल हुआ है ठीक है। और ये तो इसी टाइप से वॉल्यूम सकर का स्टॉक का आप पता कर सकते हो ठीक है। अब देखिए हाउ टू स्कैन वॉल्यूम सकर, हाँ शॉर्ट टर्म स्टॉक ब्रेकआउट, अब ये शॉर्ट टर्म स्टॉक ब्रेकआउट के लिए मैं अगर पहले से ही वीडियो बनाया था ठीक है, शॉर्ट टर्म स्टॉक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफिकेशन किए करेंगे, इसका मतलब देखिए स्टॉक शॉर्ट टर्म क्या होता है कि ब्रेकआउट कहाँ पर आया हो ठीक है। उसको मैं डिटेल कर देता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा लेटेस्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग ग्रेटर दान ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैक्सिमम ठीक है। लेटेस्ट मुझे अगर 3 दिन का शॉर्ट टर्म, 3 दिन का कोई यू नो हाई को हो, हाई के ऊपर आज क्लोज दो ठीक है, पिछले 3 दिन का हाई के ऊपर आज क्लोज दो लेटेस्ट क्लोजिंग ठीक है। यहाँ पे अगर सर्च करूंगा ये उज्जीवन टाटा कम, ये सब क्या हुआ है उज्जीवन, देखिए ये पिछले 3 दिन का यू नो शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर क्लोज दिया है आज,
और ये कौन सा है, टाटा कम टाटा कम देखिए, ये भी टाटा कम्युनिकेशन भी आज वहीं पे ही क्लोज दिया है। देख रहे हो ये तीनों का ब्रेकआउट किया है, 500 पिछले 500 को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे अगर आपने 5 लिख दोगे तो 5 का ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे अगर 10 देख लो, मैं अगर 10 लिख देता हूँ फिर यहाँ पे 10 का भी आएगा कोई है तो। फिर जैसे कि कौन सा आया, जीवन आया, इनफर्टल आया, इनफर्टल देखिए पहले, इनफर्टल है, पिछले 10 कैंडल के अंदर क्लोजिंग दिया है। देखो 1 2 3 4 इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अभी अगर हाई के ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए तो यहाँ पे लिखूंगा हाई, ठीक है। पिछले 10 दिन का हाई के ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए तो हाई लिखूंगा। कजेरिया सेरामिक्स देखेंगे, कजेरिया सेरामिक्स देखो पिछले 10 दिन का हाई के ऊपर इन्हें क्लोज दिया है। तो इसी तरह से आपने ब्रेकआउट स्टॉक आसानी से ढूंढ सकते हो। अगर यहाँ पे मैं करूंगा कि लेटेस्ट क्लोज लेस देन यू नो लास्ट देन 1 डे का, यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम, मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे करूंगा 10 दिन, और यहाँ पे लिखूंगा लेटेस्ट लो, मतलब लो के नीचे। आपको किसका नीचे क्या चाहिए, आपको आज का क्लोजिंग किसका नीचे चाहिए यहाँ पे लिखना होता है। तो आज का जो क्लोजिंग है मेरे को लो के नीचे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक अगर है तो फिर आ जाएगा फिर जिंदल स्टील है ना, जिंदल स्टील, जिंदल स्टील ये देखिए 7% गिरा हुआ है। ये पिछले 10 दिन का जो लो का है नीचे आज क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने बहुत सारा स्टॉक आज ना आ गया, मैं और दिखा देता हूँ, रिलायंस इंफ्रा देखिए, ये रिलायंस इंफ्रा है और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्कैन। देखिए ये वाला देखो पिछले 10 दिन का लो के नीचे ये क्लोज दिया, ये ब्रेकआउट स्टॉक ऐसे ढूंढे जाते हैं, तो फिर ये इसको आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अभी दूसरा कौन सा जाएगा, शॉर्ट टर्म स्टॉक ब्रेकआउट भी बता दिया। देखिए हाउ टू सब फिल्टर इन चार्टिंग, ठीक है। अभी सब सब फिल्टर भी मेरे को देखो ये हो गया। फिर मान लेते हैं कि मेरे को एक चीज में करूंगा, लेटेस्ट वॉल्यूम इनटू सॉरी वन डे का वॉल्यूम टू लेस देन लेटेस्ट वॉल्यूम, मतलब कि मेरे को ऐसा स्टॉक जो इसका वॉल्यूम आज से दुगना हो, ठीक है। ये हमारा इतना वॉल्यूम आ गया और मेरे को क्या चाहिए, और इसके बाद मेरे को सब फिल्टर चाहिए। यहाँ पे क्या है, सब फिल्टर, इसका इसमें क्या कर सकते हैं, ये वाला कॉमन रहेगा आपका हर स्कैनर के लिए, ये वाला, ये पूरा स्कैनिंग के लिए। अभी इसमें के लिए लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन क्लोज, ये भी हो सकता है। यहाँ पर अगर एनी लिख दोगे तो इसमें से कोई भी फैक्टर आपको मैच किया, इसमें जो भी स्कैन स्टॉक सिलेक्शन होके आएंगे, ठीक है ना, उसमें से और ये तीनों में से किसी एक अगर भी हो गया तो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों कॉमन प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे ऑल लिखोगे तो ये तीनों में भी हो सकता, आप देखो लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन लेटेस्ट क्लोज, ठीक है, मेरे को वही चाहिए। देखो इसमें क्या है, तो मेरे को ना शॉर्टिंग वाला स्टॉक सभी आ गया, तो यहाँ पे तो आप सब फिल्टर यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे एनी लिख दोगे तो इसमें से लेटेस्ट ओपन लेस देन, ठीक है, लेस देन क्लोज भी लिखोगे तब भी अभी क्या है, अभी सारी स्टॉक आ जाएगी, ठीक है। अभी जितना जितना स्टॉक का ये प्रॉपर्टी है ये सभी आ गया। अभी अगर मैं करूँगा इसको ऑल पे तो दोनों मैच होगा, तो दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन लेटेस्ट क्लोज हो, लेटेस्ट ओपन लेस देन लेटेस्ट क्लोज हो, ये कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर एनी लिखा जाता है, ज्यादातर टाइम अगर आपको यू नो एक स्टॉक का कुछ चीजें कॉमन होती, कॉमन होना चाहिए और कुछ चीजें वेरिएबल हो तो चलेगा, तो भी आपने सब फिल्टर यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और ये आशा करता हूँ आपको बहुत सारा चीजें सीखने को मिल रहा होगा इसमें से, ठीक है। चार्टिंग का जो स्कैनर है, अभी नेक्स्ट सीरीज कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करूंगा इंट्राडे के लिए, जो भी मैं यू नो ट्रेडिंग करने के लिए टाइम पे यूज करता हूँ उसको भी शेयर करूंगा कुछ चीज़ें, और जो आपको मदद कर रही करने बहुत करेगी। और आपको चार्टिंग के बारे में कोई डाउट है तो यू नो कोई स्कैनिंग चाहिए तो मेरे को यहाँ कॉमेंट में लिख दो, मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।